ये है हमारा स्टैंड जिसमें कि तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित कनौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी डायरीज। ये भरी हुई डायरीज की बात थी, थोड़ा स्पेसियस डायरी की तरह बोल। डायरी थोड़ी मोटी है। तो भाई साहब आज आए हैं डे टू नाइट कैंपिंग करने के लिए। तो ये हम इस कैंप ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं और ये कैंप ग्राउंड पड़ता है क्योतो में। बाकी इस कैंप ग्राउंड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जापान में मोस्टली कैंप ग्राउंड तक आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो गाड़ी आपको पार्किंग में लगानी होती है और वहां से आपको सामान अपने ग्राउंड तक लेके जाना होता है। लेकिन यहाँ के स्टाफ ने हमारा सामान कैंप ग्राउंड तक पहुँचाने के लिए हेल्प करी। तो ये है हमारी जगह जहाँ पर कि हम अपना टेंट लगा सकते हैं। क्या कह रहे हो? राइस फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, फ्राइड राइस ब्रो। राइस फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस? एग फ्राइड राइस। तो उस बंदे ने बोला जो कि यहाँ का ओनर है, उसने कहा कि नाइट में डे में तो भाई साहब फुल भरा होता है, ये ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी मॉल वॉल में आ गए, शोर शराबा दुनिया भर का। बाकी अभी यहाँ पर रात के टाइम पर सिर्फ 3 कैंप लगे रहेंगे। रात को 10 बजे तक हम यहाँ बाहर बैठ सकते हैं। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि एक टाइम लिमिट होती है, उस तक आप बाहर बैठ सकते हो। हवा चलने लग गई यहाँ पे। तो ये है हमारा स्टैंड जिसमें कि जिससे कि इसके हवा नहीं लगेगी इसमें। तो बहुत सही सही यहाँ पे ना बारबेक्यू से रिलेटेड, कैंपिंग से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे बहुत सही सही प्रोडक्ट मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हो रहा है हमारा बारबेक्यू रेडी। कभी वो खाया बारबेक्यू करके? जैसे बारबेक्यू जो नेशन है दिल्ली में है क्या? वहाँ मिलता है ना बारबेक्यू नेशन में मिलता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जरूर ट्राई करना, बहुत अल्टीमेट होता है स्वाद में। बीवी के हाथ से और ज़्यादा। बीवी के हाथ का तीखा। अभी जो है यहाँ पे सबके सब अंदर चले गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं तो उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो ओके है हमारे लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो ना, बारबेक्यू में बेस्ट होता है आपका मशरूम एंड पाइनएप्पल एंड स्टफ शिमला मिर्च जिसके अंदर आलू भरे हुए होते हैं। और वर्ड्स पता क्या होता है जो मैं अभी खा रहा हूँ? गोभी। गोभी मत करना यार कभी बारबेक्यू। रात को निपटा लेते हैं ना सारा काम, सुबह जल्दी निकल पाएंगे। इसलिए गर्म पानी और ठंडा पानी दे रखा है। जूना कहते हैं वो चीजें ना हो ना, तो ये होती थी पुराने टाइम में नेचुरल। पत्थर मिट्टी डालो, ये कुछ है रेडियम जैसा ग्लो स्टिक फॉर कैंप। क्या बात कर लियो, थोड़ा अंधेरे में जाके कलोगे तो ग्लो ना जल नहीं आएगा जला। अंधेरे में करूं? उधर उधर टेंट के पीछे जाके एकदम खोपचे में जा 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 टेंट के पीछे जा। ओ सही। अच्छा ये उसके लिए है, अब रात को टेंट में टांग लो। अब जा रहे हैं हम अंदर टेंट के, क्योंकि हो गई है रात, टाइम हो गया सोने का। टेंट में घुसने से पहले ना जो आपको बारबेक्यू के जो अंगारे वंगारे जितने होते हैं उनको आपको बुझाना होता है, अदरवाइज थोड़ा डेंजरस हो सकता है ये। तो अभी आपको दिखाते हैं हमारा टेंट अंदर से कैसा है। यहाँ पर ये रेडियम लगा हुआ है, ये हमारी लाइट है कैंप की, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और ये मेन जो हमारे बैग होते हैं वो हम अपने टेंट के अंदर डाल देते हैं। इसमें नहीं है कि टोपी जैसे दिख रही है, पानी की बॉटल
और ये हमारा कैमरा बैग है और बाकी ये चद्दर वद्दर। ये बहुत से बने यार, एग फ्राइड राइस। अब अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं सोने के लिए, आपसे मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह मॉर्निंग में आपको मैं पूरा एरिया दिखाऊंगा। लाइटा बंद कीजिए मियाँ। अरे मैं खाना खा रही हूँ यार। ओके है यहाँ का कैंप ग्राउंड। तो ये वाला तो है जहाँ पर कि अभी कैंप वगैरह कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी है, वो थोड़ा सस्ता भी है बट वो ना ढलान में है। तो ये अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ भी कैंप ग्राउंड बना सकें प्रॉपर। नया तो सो रही है अभी। क्या या क्या नीति फैला रखी है नया? गुड मॉर्निंग कह दो लोगों को। बहुत बुरी हो रही है हालत। गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हमारी को यहाँ से निकलना है कम से कम 8 बजे, ताकि 10 बजे तक मैं पहुँच पाऊँ और फिर उसके बाद ऑफिस। अभी बनानी है हमें चाय और हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। यह है जापान का दूध। जापान के टॉयलेट्स में ना मोस्टली आपको ये व्हीलचेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। व्हीलचेयर है, ये नर्सरी बेबी वाला है। मोस्टली यहाँ पे सारे कैंप ग्राउंड्स में ना सेम सी फैसिलिटीज होती हैं। एक शावर रूम होगा, टॉयलेट होगा, ये बर्तन धोने का, ये पानी का टैप होगा, ये तो हमें इतने दिखाई दिया होगा आपको। एक ट्रैम्पोलिन है यहाँ पे, 10 मिनट के 300 येन। 10 मिनट तक आप कुंदा फांदी कर लो इसमें। यहाँ के जो इनके पर्सनल टेंट है वो ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे टेंट बना रखे हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं लकड़ी के फट्टों पे। और हम जैसे लोग जो हैं वो ऐसे टेंट लगाते हैं, और छोटा सा टेंट हमारा। क्या प्यारा कलर आ रहा है चाय में।